हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकफिन के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीगाहर्ट्ज़ के बारे में, मेगाहर्ट्ज़ के बारे में, आखिर वो होता क्या है। क्लॉक स्पीड आपको पता ही होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए इसके बारे में पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, My name is Samyak, you are watching TechFin. Let's get started. तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये गीगाहर्ट्ज़ हमेशा हमें प्रोसेसर के रिलेटेड चीज़ों में सुनने को मिलता है, यानी कि एक स्मार्टफोन में ऐसे करके होता है कि 2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, 3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टाकोर प्रोसेसर, प्रोसेसर का नाम रहता है और दोस्तों ऐसे करके लिखा होता है। दोस्तों, आखिर में ये क्लॉक स्पीड है, यानी कि वो प्रोसेसर का स्पीड है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्मार्टफोन में। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में प्रोसेसर के बारे में बात किया था, अगर दोस्तों आपको वो वीडियो देखना है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो दोस्तों आप वहां पे जाइए और देखिए प्रोसेसर के बारे में कंप्लीट ज्ञान लीजिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब प्रोसेसर एक काम को करता है तो दोस्तों वो कैसे करता है। दोस्तों, बहुत टाइम प्रोसेसर ऑन ऑफ ऐसे करके होता है। जैसे मान लीजिए हम एक टॉर्च पकड़े हुए हैं और दोस्तों उसे ऑन ऑफ करते हैं, तो प्रोसेसर ये सब करता है, लेकिन ये इतना फास्ट होता है दोस्तों कि वो ऑन ऑफ पता नहीं चलता है। यानी कि गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में वो मेटर्ड किया जाता है ये ऑन ऑफ के टाइमिंग को। मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 1 सेकेंड में 1 मिलियन टाइम वो प्रोसेसर ऑन ऑफ होता है। 1 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 1 बिलियन टाइम। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा शायद ही कि 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले वही था दोस्तों 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर था, अभी दोस्तों वही हुआ है, क्या हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्या होता था कि तब जब प्रोसेसर बनता था उसमें जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगा होता है वो थोड़ा स्लो काम करता था, अभी वो फास्ट हो गया है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, तब जो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर लगता था उसे एक काम को करने के लिए 1 सेकेंड में 500 बार ऑन ऑफ होना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, वही प्रोसेसर अभी थोड़ा पावरफुल हो गया है जिसमें 1 सेकेंड में वही ट्रांजिस्टर को 10 बार ऑन ऑफ होके वो काम हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, गीगाहर्ट्ज़ सेम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे फास्ट हो रहा है तो वही गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको अभी गीगाहर्ट्ज़ के बारे में कंप्लीट तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज तो आया होगा। गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ दोस्तों पहले निकलता था, अभी गीगाहर्ट्ज़ करके आता है दोस्तों। 2 गीगाहर्ट्ज़, 1.8, 2.8 ऐसे करके स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यही था सब गीगाहर्ट्ज़ के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी टाइम है दोस्तों, अब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।